के ख्यालात के मुताबिक आप तक जल्दी आ सके। आपके ख्यालात के मुताबिक हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, इस बात को ज़हन नशीन रखें कि कपड़ों की डिज़ाइनिंग और मैचिंग में मुख्तलिफ अनासर जैसे रंग, पैटर्न, अंदाज और मौका पर गौर करना शामिल है। सजीला लिबास बनाने में आपकी मदद के लिए कुछ नुकात आपके सामने हाजिर खिदमत करते हैं। रंगों को कोऑर्डिनेशनल को समझें। रंग तंजीमों की हम आहंगी में अहम किरदार अदा करते हैं। आप इन हिदायात पर अमल कर सकते हैं। तकमीली रंग कलर कोएबल पर एक दूसरे के मुखालिफ रंग, मिसाल के तौर पर नीला और नारजी, एक हैरत अंगेज तजाद पैदा करते हैं। यकसा रंग कलर पर एक दूसरे से मुलहिक रंग, मसलन नीला और सबज, एक हम आहंग शक्ल बनाते हैं। यक रंगी रंग एक ही रंग के मुख्तलिफ शेड्स और पैंट्स एक खूबसूरत और नफीस लिबास बना सकते हैं। पैटर्न और बनावट पर गौर करें। पैटर्न और बनावट को मिलाना आपके लिबास में बसरी दिलचस्पी बढ़ा सकता है। यहाँ कुछ ख्यालात हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ साइज के पैटर्न को यकजा करें। एक बड़े पैटर्न को जोड़ें, जैसे फूलों का लिबास, छोटे पैटर्न के साथ जैसे धारीदार ब्लेजर। बनावट को मिक्स करें। इसके बरक्स के लिए बनावट वाले टुकड़ों को जोड़ें, जैसे केबल से बना हुआ स्वेटर। एक हमवार ताने बाने के साथ साइन की पतलून की तरह। मौका और लिबास कोड पर तवज्जो दें। लिबास की मुनासबियत इस मौके पर मुनहसर है। रस्मी और किसी मखसूस लिबास कोड पर गौर करें। मिसाल के तौर पर रस्मी तकरीबात पर और मौजू सूटों और इसके साथ साथ खूबसूरत लिबासों या लिबास से अलग अलग लिबास का इंतखाब करें। आरामदेह और पुरसकून बाहर निकलना। आरामदेह और आरामदेह लिबास को गले लगाएं, जैसे जीन्स, टी शर्ट्स और जूते। कारोबारी लिबास पेशावराना लिबास का इंतखाब करें, जैसे ब्लेजर, ड्रेस पैंट्स, टी शर्ट्स और जूते। मतवाजन तनासब
تناسب کو متوازن کر کے ایک بصری طور پر خوش کرنے کی سلیٹ بنائیں۔ مثال کے طور پر ڈیلی فٹنگ پتلون کو فٹ شدہ ٹاپ کے ساتھ جوڑیں۔ سلم فٹنگ بوٹمز کے ساتھ ایک بڑے ٹاپ کو جوڑیں۔ لمبے ٹاپ یا جیکٹ کے ساتھ مختصر سکرٹس یا شارٹس کو متوازن رکھیں۔ سوچ سمجھ کر رسائی حاصل کریں۔ لوازمات آپ کے لباس کو بڑھا سکتے ہیں اور ہر چیز کو ایک ساتھ باندھ سکتے ہیں۔ ان تجاویز پر غور کریں۔ بیان کے ٹکڑوں کا استعمال کریں۔ سادہ لباس کو بلند کرنے کے لیے بورڈز، لوازمات جیسے اسٹیٹمنٹ، بارہا، متحرک اسکارف شامل کریں۔ تکمیلی لوازمات کا انتخاب کریں۔ اپنے لوازمات کو اپنے لباس کے رنگ کے ساتھ جوڑیں اور انہیں آزمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہونے سے بچیں۔ اگر آپ کا لباس پہلے سے ہی متحرک یا مصروف ہے تو مزید لطیف لوازمات کا انتخاب کریں، تجربہ کریں اور اپنی جبلتوں پر بھروسہ کریں۔ فیشن ساپیکس ہے اور ذاتی انداز مختلف ہوتا ہے۔ تجربہ کرنے اور مکس اور میچ کرنے سے نہ گھبرائیں اور اپنی جبلت پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کو انوکھے مجموعے دریافت ہو سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فیشن ایک فن ہے اور جدید اور منفرد شکل بنانے کے لیے قوانین کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔ مختلف امتزاجوں کو تلاش کرنے اور اپنے انداز کے اپنے احساس کو دریافت کرنے میں مزہ کریں۔ تجربہ کریں اور اپنی جبلتوں پر بھروسہ کریں۔ فیشن سا پیکشن ہے اور انداز مختلف ہوتا ہے۔ تجربہ کرنے، مکس اور میچ کرنے سے نہ گھبرائیں اور اپنی ذاتی جبلت پر بھروسہ کریں۔ آپ کو انوکھے مجموعے دریافت ہو سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بات، فیشن ایک فن ہے اور جدید اور منفرد شکل بنانے کے لیے قوانین کو توڑا جا سکتا ہے۔ مختلف امتزاجوں کو تلاش کرنے
और अपने अंदाज को, अपने एहसास को दरियाफ्त करने में मजा करें। क्या जो चीज़ पसंद कर रहे हैं आप उसका बिला झिझक तजर्बा करें, उसे अपनाएं, ताकि आप फैशन के पहले स्टेज पर कदम रख लें। सबसे पहले उसे अलग तौर पर उसका इस्तेमाल करें, उसको पहनें और उसका तजर्बा करने से ना घबराएं, क्योंकि बिल्कुल फैशन खुद इजहार की एक शक्ल है और आपकी इनफरादियत और तख्लीकी सलाहियतों को अपनाना ज़रूरी है। अपने अंदाज के साथ तजर्बा करते वक्त जहन में रखने के लिए यहाँ कुछ इजाफी तजावीज़ हैं। बुनियादी बातें जानें इससे पहले कि आप असूलों को तोड़ें। फैशन के बुनियादी असूलों को समझना मददगार है, जैसा कि कलर थ्योरी, गारमेंट्स और मुख्तलिफ कपड़ों के असरात। यह इल्म आपके तजुर्बात के साथ ठोस बुनियाद फराहम करेगा। इल्हाम तलाश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें इस बात से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आज आपने इस वीडियो में कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, या इससे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, अगर आप जिस चीज़ की तलाश में हैं वो आप यहाँ से हासिल नहीं कर सके तो उसे कमेंट में ज़रूर ऐड करें, ताकि हम आपके ख्यालात के मुताबिक अपनी वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बरवक़्त हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।